कृतो बभूत अधाते सुन्नमी महे अधाते सुन्नमी महे आनंद श्रोत बह रहा पर तू दास है अचरज है जल में रहे के भी मछली को प्यास है जो ईख में सुवास ईख में मिठास है परमात्मा का विश्व के कण कण में वास है आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले अनमोल जन्म हीरा धूल में मिलाने वाले आनंद पाएंगे क्या ईश्वर बुलाने वाले निर्वैर भाव बचपन निर्मल प्रभात बेला निर्वैर भाव बचपन निर्मल प्रभात बेला निर्मल प्रभात बेला खिलवाड़ जान इसको खिलवाड़ जान इसको यूं ही गवाने वाले खिलवाड़ जाने इसको यूं ही गवाने वाले आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले अनमोल जन्म हीरा धूल में मिलाने वाले बचपन जवानी खोकर बीता बुढ़ापा रोकर बचपन जवानी खोकर बीता ईश्वर बुलाने वाले भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन भंडार शक्तियों का अनमोल
विषयों की भेंट करके, विषयों की भेंट करके संकट बुलाने वाले आनंद पाएंगे क्या? ईश्वर बुलाने वाले बिगड़ी बनाएंगे क्या? वह देश दूसरों की बिगड़ी बनाएंगे क्या? वह देश दूसरों की, वह देश दूसरों की, थोड़े दिनों में जो है शमशान जाने वाला, थोड़े दिनों में जो है शमशान जाने वाले आनंद पाएंगे क्या? ईश्वर बुलाने वाले अनमोल जन्म हीरा धूल में मिलाने वाले आनंद पाएंगे क्या? ईश्वर बुलाने वाले। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठे और बड़ी श्रद्धा से लंबा और गहरा श्वास लें। महामंत्र गायत्री का पाठ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गयस्मानो अमीवः वशो वित्तपुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव, सुमित्रः सोमनो भव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अभी आप भजन सुन रहे थे, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर बुलाने वाले। यही बात मंत्र भी कह रहा है कि जो 100% शुद्ध आनंद है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, खरा सोना, वो है ईश्वर का आनंद। संसार के आनंद में और ईश्वर के आनंद में बहुत अंतर है। क्या अंतर है उसको आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये चर्चा चल रही थी कि इस आनंद को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, हम योगी बने। क्या बने? योगी बने। योग में दो सूत्र आए कि एक है ध्यान योग और दूसरा है क्रिया योग। ध्यान योग उन लोगों के लिए है जिन्होंने समाधि का आनंद ले लिया है, जो समाधिष्ट हो चुके हैं, चित्त की वृत्तियां जिन्होंने निरोध कर ली हैं।
अब जो हम जैसे साधारण लोग हैं, हम भी उस आनंद को प्राप्त करें, तो उसके लिए ऋषियों ने कहा कि आप क्रिया योग करो। तो क्रिया योग के तीन साधन बनाए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान में जो पहला बिंदु आया वो आया तप। तप भी तीन प्रकार का बताया, दो प्रकार के तपों की चर्चा हमने कर ली है, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला तप बताया था देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। क्या है कि देवता, ब्रह्मनिष्ठ विद्वान, आचार्य और योगी जनों की सेवा करना, बाहर भीतर पवित्र रहना, स्नान आदि से बाहर की सफाई और स्वाध्याय आदि से भीतर की सफाई करना, आत्मचिंतन करना, मार्जवम बाहर भीतर सरल रहना, जो मन में है वही बाहर है, बाहर कुछ और मन में कुछ और नहीं है, सरलता। और उसके बाद बताया अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करना, न शरीर से, न वाणी से, न मन से, ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य का पालन, ये शरीर का तप बताया। दूसरा तप बताया वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? स्वाध्याय वाणी का तप है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत स्वाध्याया विष्णम चयो वांग्मयी तप उच्यते। अर्थात अनुद्वेग कर वाक्यम, कि ऐसी वाणी न बोलें जिसको सुन करके दूसरे की शांति भंग होती हो। कभी भी ऐसा न बोलें कि दूसरे की शांति भंग हो जाए। सत्यम, उसके बाद बोल रहे हैं कि सत्य भी बोलना है, इसका भी ध्यान रखना है। और फिर कहते हैं सत्य कैसा हो? प्रियम, प्रिय हो, सत्य हो और प्रिय हो। और आगे कहते हैं हितम, हितकारी भी हो, केवल प्रिय ही नहीं हो, ऐसा मीठा न बोले कि जिससे हानि हो जाए, हितकारी भी हो। स्वाध्याय विष्णुम चैव, और वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना। तो जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो उससे वाणी के दोष दूर होते हैं। क्या दूर होते हैं? वाणी के दोष। इसलिए बुक पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बुक में हमेशा व्याकरण लिखा रहता है, शुद्ध उच्चारण होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब हम बुक पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी शुद्धि हो जाएगी। तो ये वाणी का तप हो गया। अब तीसरा तप है मन से तप, मानसिक तप। वो क्या है? सुनो, आज उसी की चर्चा करेंगे। मनः प्रसादात् सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येत तपः मानसम् उच्यते। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें तपस्वी बनना पड़ेगा, और वाणी, शरीर और मन के स्तर पर। तो मन का तप क्या है बता रहे हैं। मनः प्रसादात्, हमेशा प्रसन्न रहना। मन का तप क्या है? हमेशा प्रसन्न रहना, चाहे कितने ही दुख आपके ऊपर आ जाएं। क्योंकि सुख में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, वीर तो वही है, बलवान तो वही है, धीर गंभीर तो वही है जो दुख में भी मुस्कुराता रहे। भगवान राम को सूचना मिली कि कल तुम्हारा राजतिलक होना है, तो भगवान राम प्रसन्नता से उछल नहीं पड़े। और रात ही रात सूचना बदल गई कि सूर्योदय होते ही तुमको वन को जाना है। भगवान राम के चेहरे पे कोई उदासी नहीं आई। जैसे सुख में थे वैसे ही दुख में थे। जो सुख दुख में एक समान वही व्यक्ति रहेगा जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। हमेशा ये सोचा करो, आप क्या लेकर के इस दुनिया में आए हो, क्या लेकर के जाओगे? अपने पूर्व जन्म के कर्मों से इस संसार में आए हैं, नए कर्मों से संसार छोड़ के जाएंगे। संसार की जो वस्तुएं हमारे साथ आई नहीं थी वो हमारे साथ जाएंगी भी नहीं।
और अधिकतर असंतोष इसी में होता है कि मैंने जितना भी संग्रह कर लिया है वो मुझे कम ही लगता है, सोचते थोड़ा और हो जाता। जिसके पास 10 रुपये नहीं है वो 10 रुपये के लिए परेशान है, और 10 आ जाते हैं तो 20 के लिए परेशान होता है, 20 आ जाते हैं तो 100 के लिए परेशान होता है, 100 आ जाते हैं तो 1000 के लिए परेशान होता है, 1000 लखपति बनने के लिए परेशान है, लखपति करोड़पति बनने के लिए परेशान है, करोड़पति अरबपति बनने के लिए परेशान है, अरबपति खरबपति बनने के लिए, खरबपति नील शंख पद्म बनने के लिए परेशान है ना। तो जो व्यक्ति संसार के वस्तुओं के संग्रह में पुरुषार्थ कर रहा है उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था को जान करके हमेशा हर हाल में मस्त रहना चाहिए। मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, वो अपने आप की होती है। क्या कहा? मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, वो अपने आप की होती है। इसलिए मन से प्रसन्न रहना सीखो। हे अर्जुन, जिनका मन प्रसन्न रहता है उनकी बुद्धि भी सूक्ष्म होती है, और जब बुद्धि सूक्ष्म होती है तो शास्त्र के गहरे रहस्य समझ में आने लगते हैं। इसलिए कोई आपके मन को परेशान भी करे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे हो। महर्षि दयानंद महाराज हरिद्वार में रहते थे, घटना है, साधुओं के बीच में उनकी कुटिया थी, पौराणिक साधुओं के बीच में, वो भी वहां रहते थे, भ्रमण कर रहे थे, परिव्राजक के रूप में घूम रहे थे। तो एक साधु जो था वो चिढ़ता था उनसे, क्यों? क्योंकि स्वामी जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, ईश्वर एक है यही लोगों को समझाते थे। तो साधु आता था, स्नान करने के लिए जाता था तो स्वामी जी की कुटिया रास्ते में पड़ती थी, तो जैसे ही कुटिया पर आता था गाली देते हुए जाता था, और वहां से स्नान करके आता था, फिर कुटिया पर आता था फिर गाली देता था। तो स्वामी जी कहते थे ये कूड़ा फेंकने जाता है, कूड़ा लेके फिर आ जाता है। मन के अंदर जो बुराइयां, कूड़ा ही तो है वो, तो उसका ये रोज का रूटीन था। तो एक दिन स्वामी जी का एक भक्त जो स्वामी जी में श्रद्धा रखता था, वो एक टोकरी फल लेके स्वामी जी के पास आया। कहा महाराज जी पेड़ में लगे थे पक गए, मैंने कहा पहले स्वामी जी भोग लगा लें फिर हम लोग खाएंगे, स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने टोकरी खोली और उसमें से बढ़िया बढ़िया सा 5-6 सेब निकाल करके स्वामी जी को कहा कि जाओ महात्मा जी को दे आओ। बोला महाराज वो तो आपको रोज गाली देता है। बोला ये उसका ना काम है, मेरा काम जो है मुझे करने दो, वो अपना काम करता है मैं अपना काम करूंगा। गया वो, उसने कहा महाराज ये सेब, और बड़ा खुश हो गया, भगत आया है, आए भगत बैठो बैठो बैठो, भगत अपना परिचय दो तुम कौन हो। बोला वो महर्षि दयानंद सरस्वती है, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। बड़े जोर से बोला ले जाओ इस सेब को, तुमको किसने कह दिया ये सेब देने के लिए, मैं तो उसको गाली देता हूं दयानंद को, किसी और के लिए होंगे तुम भूल से यहां आ गए हो। वो बेचारा सेब लेकर के वापस आ गया। स्वामी जी को उसने सारी कथा सुनाई। स्वामी जी ने कहा उसको भ्रम हो गया है, तुम दोबारा जाओ, ये कहना स्वामी जी ने तुम्हारे लिए ही भेजे हैं, ऑर्डर दे के भेजे हैं। फिर गया वो, बोला महाराज स्वामी जी कह रहे हैं ये आप ही के लिए दिए हैं। अब उसका हृदय पिघल गया। बोला जिस व्यक्ति को मैं इतनी गालियां देता हूं, श्वास भर भर करके गालियां देता हूं, वो मेरे को मीठे सेब दे रहा है, मीठे फल दे रहा है, करता होगा मूर्ति पूजा खंडन, लेकिन आदमी है बड़ा सच्चा, आदमी है बड़ा पवित्र। गया स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बोला महाराज माफ करो मुझे। स्वामी जी ने कहा देखो गाली तुम्हारा देना स्वतंत्रता थी, तुम्हारी स्वतंत्रता थी, तुम किसी को गाली दो या श्राप दो या आशीर्वाद दो, अब तुम्हारी गाली मैं लू या न लू ये मेरी स्वतंत्रता है। तुमने दी थी लेकिन मैं लेता थोड़ी था, और जब मैं लेता नहीं था तो मुझे बुरा भी, इसलिए तुम परेशान मत हो। बड़ा प्रभावित हुआ, स्वामी जी का शिष्य बन गया। तो मनः प्रसादात, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है। क्या कहा? परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियां आती रहेंगी। न्यायपूर्वक परमात्मा कोई न कोई परिस्थिति आपको दे, तो परिस्थिति कितनी ही बिगड़े लेकिन अपनी मनः स्थिति मत बिगड़ने दीजिए।
परिस्थितियों को मना स्थिति पर हावी मत होने दीजिए, तब आपके मन में प्रसन्नता आएगी। और याद रखिएगा, संसार आपका हंसना पसंद करता है, रोना पसंद नहीं करता है। अगर आप हंसेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, अगर आप रोएंगे तो दूर से ही देखेंगे, कहीं नजर न पड़ जाए, कन्नी काटेगा। रोने वालों को लोग रुलाते हैं, गिरने वालों को लोग गिराते हैं, उठने वालों को उठाते हैं, हंसने वालों को हटाते हैं, हंसाते हैं। ये दुनिया का वसूल है। तो इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा यहां से चले गए, वो नहीं रहे दुनिया में, उनकी संपत्तियां नहीं रही, उनकी राजधानियां नष्ट हो गई, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है उसी का दिया हुआ है। इसलिए अपनी मस्ती को खत्म मत होने दीजिए, ठीक है नहीं? मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। किसी की बस्ती में आग लगे तो अपनी मस्ती को खत्म करने की सहयोग करिए, सहायता कीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन मस्ती खराब मत कीजिए। जिस तरह रोगी रोता है, अगर वैसे डॉक्टर रोने लग जाए, बोलो इलाज होगा? होगा इलाज? नहीं होगा। रोगी जितना घबराता है, डॉक्टर उतना ही सॉलिड रहता है, तब वो इलाज करता है। तो यही अध्यात्म का रास्ता है। भगवान के रास्ते पर चलने वाले लोग यदि कदम कदम पर रोएंगे तो भगवान को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। बोला ये भगवान की पूजा करने के बाद भी तो रोना आता है, कोई नहीं मानेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। पंजाब के अंदर एक छज्जू भगत रहता था। क्या नाम था? छज्जू भगत रहता था पंजाब के अंदर। तो जब किसी के घर में कोई मरता था तो प्रभु के गीत गाता था, हंसता था, नाचता था, कूदता था, श्री राम जय राम कहता था। तो लोग कहें जब इसके घर का कोई मरेगा तब इसको पता लगेगा मरना क्या होता है। तो संयोग ऐसा हुआ, छज्जू भगत के घर में ही मृत्यु आ गई, उसी का जवान लड़का चला गया। उस दिन भी छज्जू भगत, सारे घर वाले रो रहे थे, कोई लाश के लिए कफन ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई लाश को बांध रहा था, और छज्जू भगत उस दिन भी श्री राम जय राम। उस दिन लोगों ने कहा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जानता है कि ये ईश्वर की व्यवस्था है, पैदा करने वाला ईश्वर है, मारने वाला ईश्वर है, हम क्या है? इसलिए हम अपनी प्रसन्नता क्यों खत्म करें? क्योंकि भगवान स्वयं प्रसन्न रहते हैं। तो मन का जो तप है वो क्या है? मनो प्रसादात, मन प्रसन्न रहे, नंबर एक। नंबर दो, सौम्यत्वम, आपके चेहरे में हमेशा सौम्यता रहे, आपका चेहरा इतना शांत हो कि दूसरे लोग देखते ही शांत हो जाएं, जैसे पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा के चांद को अगर कोई देखता है कितना ही उदास व्यक्ति होगा, एक बार वो भी शांत हो जाएगा। तो मन में जब प्रसन्नता होगी तभी चेहरे में सौम्यता आएगी। मनो प्रसादा सौम्यत्म मौनम, तीसरा मौन, कभी कभी मौन रहना भी सीखी। जीवन में नियम बना लीजिए, शाम को बच्चों से कह दीजिए देखो भाई सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं किसी से नहीं बोलूंगा, और आप भी मेरे से मत बोलना, बहुत आवश्यक होगा तो इशारे में काम करना। मौन, याद रखिएगा, दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए, ठीक है? दुनिया से फोन करने पर बिल देना पड़ता है, भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। दुनिया से बात करने वाला बिखर जाता है, भगवान से बात करने वाला निखर जाता है। अब तुम्हें विचार करना है, बिखरना पसंद है या निखरना पसंद है? तो इसलिए मौन बहुत जरूरी है। मौन से परिवार के बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। बहू कितने ही चिल्लाने वाली हो, अगर सास मौन रहेगी ना तो 15 दिन में घर की व्यवस्था बदल जाएगी, और सास कितने ही बोलने वाली हो, बहू मौन रहेगी तो 15 दिन में व्यवस्था बदल जाएगी। एक व्यक्ति अगर मौन है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जब दोनों बोलते हैं तभी झगड़े और रगड़े होते हैं परिवार में। इसलिए मौन का अभ्यास जरूर बनाइए, भले 1 घंटे का मौन नियम फिक्स कर लीजिए।
सबको बता दीजिए उस समय, मोबाइल को साइलेंट में रख दीजिए, मौन है, तो आपके अंदर कितना बड़ा समुद्र भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो जो व्यक्ति मौन नहीं होगा उसको वो नहीं मिलेगा। इसलिए मौन भी, अगर आप खुद मौन नहीं रहेंगे तो एक दिन परमात्मा आपको सदा के लिए मौन कर देगा। उस समय लोग कहेंगे बोलो बोलो बोलो, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ये मन का तप है। जो व्यक्ति बहुत बकबक बकबक करता है, समाज उससे पीछे हटना चाहता है, और जो व्यक्ति मौन रहता है, लोग कहते भाई साहब आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बोलिए ना। जब लोग आपसे ऐसे कहने लगे तो समझो आप ईश्वर के करीब आ रहे हैं। नहीं तो लोग कहते भैया फलाना व्यक्ति आ रहा, बच के रहना, ये बोलेगा तो फिर लपेटेगा एक घंटा तुमको। तो इसलिए मौन एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य का। अनर्थक वार्तालाप से कोई लाभ नहीं मिलता है। हाँ, इतना भी मौन न रह जाए कि आपके मौन से समाज की हानि होने लगे, इतना मौन भी अच्छा नहीं। लेकिन आत्मिक उन्नति, आर्य समाज का नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सब क्या संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नहीं, अगला नियम है प्रत्येक सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम में सब स्वतंत्र, लेकिन निज उन्नति में सब अपने आप में नहीं, सब परतंत्र हैं। सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम में सब परतंत्र हैं और निजी नियम में, निजी उन्नति में सब स्वतंत्र हैं। ये भी देखना है, जिस मौन से मेरी आत्मिक उन्नति होनी है उस मौन का पालन करना जरूरी है। तो 24 घंटे में कम से कम एक घंटे का मौन रखना चाहिए सबको, परिवार में भी सबका अलग अलग टाइम टेबल। हाँ, 6 कला का मौन सब रखते हैं, क्या बात है। आप भी सत्यनारायण जी नींद में, नींद में बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 6 घंटे की नींद आती है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन नींद में आपको ये पता ही नहीं रहता हमने मौन रखा है। मौन रखना होश में, वो तो बेहोशी का मौन है, बेहोशी का मौन नहीं चलेगा, होश का मौन, ठीक है ना। वो जो 6 कलाक वाला है वो तो आपको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। होश पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक मौन रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा महात्माओं के वहां ऐसा चलता है, महात्मा लोग बोलते हैं कि अनावश्यक वार्तालाप न करें। मैंने कई लोगों के व्हाट्सएप पर लिखा है, व्हाट्सएप पर लोग लिख देते हैं आवश्यकता न हो तो कॉल न करें, अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए, ये मौन है। अभी इस मौन की हमने शुरुआत की है, सोमवार को इसमें और गहराई में आपको ले जाएंगे। ये जो है तीसरा तप, मानसिक तप इसको कहते हैं, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ द्यो शान्ते अंतरिक्षम शान्ते पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, ओ वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। सोमवार को मुलाकात होगी।